बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद पीरज़ादा, पीरज़ादा प्रॉपर्टी से। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अपनी फोर्थ एपिसोड के हवाले से आज हाजिर खिदमत हूँ आपके सामने। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्पेशली सेक्टर डी के हवाले से। DHA फेज 6 का सेक्टर डी अगर देखा जाए तो उसकी लोकेशन, उसकी अप्रोचेज और साथ साथ उसकी अगर हम बात करें जो 5 मरला और 10 मरला की प्रॉपर कटिंग है वो बहुत शानदार है, क्योंकि स्पेशली जो 5 मरला की कटिंग है वो सेक्टर डी में ही मौजूद है व्यूअर्स। और सेकंड, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो एक अंडरपास जो डायरेक्टली लिंक करता है फेज़ 9 प्रिज्म को, और उसकी अप्रोच जो है डायरेक्टली फेज़ 9 टाउन की तरफ जाती है, वो सेक्टर डी के अंदर मौजूद है व्यूअर्स। इसके अलावा CCA2 जो है वो भी सेक्टर डी को डायरेक्टली मिलता है यहाँ पे, जिसकी अप्रोचेस बहुत शानदार है। और इसके अलावा हम बात करें स्पेशल एक अपॉर्चुनिटी जो DHA ने बहुत शानदार एक डेवलपमेंट किया है सेक्टर डी के अंदर, जो सेक्टर पार्क था उसका, एक्चुअली उस सेक्टर पार्क की लोकेशन के अंदर ऑलरेडी एक स्पेनिश बिल्डिंग जो बहुत बड़ा फार्म हाउस की सूरत में मौजूद था वहाँ पे। तो DHA ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि बजाय कि उस बिल्डिंग को डिमोलिश करते और उसमें पार्क को डेवलप करते, उन्होंने उस पार्क को फिजिकली वहाँ पे रहने दी और उसकी वॉल जो है बाउंड्री वॉल उसकी वो रिमूव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बाउंड्री वॉल उसकी रिमूव होती है तो उसकी वजह से उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सेक्टर डी के अंदर 5 मरला मौजूद है, 7 मरला, 10 मरला, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें 2 कनाल की भी प्रॉपर कटिंग है और 7 कनाल की। उस 5 मरला की प्राइस व्यूअर तकरीबन हम कह सकते हैं कि 145-150 से लेके 170-175 तक है, और इसी तरह से 7 मरला के जो प्राइजेज हैं वो तकरीबन हम बात करें तो तकरीबन 2.25 करोड़ से लेके तकरीबन 2.75 करोड़ के बिटवीन है। इसी तरह से 10 मरला जो है मिनिमम तकरीबन 270-275 से 325 तक वहाँ पर मिल जाता है। और स्पेशली कनाल की प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम लोअर साइड की बात करते हैं सेक्टर डी में, तो तकरीबन कोई 375-380 से लेके 440 मिलियन के बिटवीन मिल सकते हैं। और इसी तरह से अगर सेक्टर पार्क के करीब की लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बस तकरीबन 5 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिलता है। इसमें घर भी मौजूद हैं, प्लॉट्स भी मौजूद हैं, और सेल परचेस काफ़ी अच्छी है सेक्टर डी के अंदर, क्योंकि लोकेशन डिफरेंस है तो इसी वजह से वहाँ पर मोस्टली लोग अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। और इसी वजह से घरों की तादाद सेक्टर डी में सबसे ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे 10 मरला और 5 मरला के घर काफ़ी तादाद में बन चुके हैं। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी क्यूरीज, अपनी आरा के हवाले से हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेहतर रहनुमाई करें। एंड थैंक यू सो मच अगेन। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।